नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा, एनजीओ फाइट फॉर ट्रू, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने, जिससे आप कानून की बहुत सारी जानकारी लेते हैं, अपने आप को अवगत बनाते हैं और अपने आप को सेफ करते हैं किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में पड़ने से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा चेक बाउंसिंग के मामले में। अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी की पेमेंट देनी होती है तो पुलिस की धमकी देता है और सामने वाला बहुत जल्दी से डर जाता है उसके अगेंस्ट, और फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं, पुलिस मेरे घर पे आ जाएगी। पर ऐसा देखा भी गया है, किसी को पेमेंट देनी होती है वो किसी पुलिस वाले को बोल देते हैं, तो जानकर किसी का होता है पुलिस वाला उसको फ़ोन कर देते हैं। दोस्तों, पुलिस में ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये सिविल मैटर होता है और कोर्ट के थ्रू पैसा मिलता है। चेक बाउंस हो, फिर चाहे आपने किसी को पेमेंट दी हो, या सिविल सूट रहेगा या चेक बाउंसिंग के ऊपर अपना NI Act 138 में वो फिर केस चलता है। उसको कभी भी आपको किसी को पेमेंट देनी है, आपने उसको चेक दिया हुआ है, वो आपके अगेंस्ट केस कर देता है। अक्सर देखो जो ये मामले होते हैं चेक बाउंसिंग के, होते ज़्यादातर जेन्युइन ही हैं, कुछ होते हैं जो कि गलत भी होते हैं, फिर उसमें लूप पॉइंट निकाल कर केस को आगे चलाया जाता है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, अगर कभी भी आपने किसी को कोई चेक इशू किया है, कोई पेमेंट देनी है, तो उसकी पेमेंट आप ज़रूर दीजिए, उसको परेशान आप उसको ना करें। और हाँ, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो बिल्कुल उसके नोटिस आने पर, उसके कोर्ट में जाने पर, उस कानून की कानूनी जो दाव पेच हैं उससे वो अपना केस बिल्कुल आप लड़ें। बट अगर किसी पेमेंट देनी है तो बाहर से बाहरी पेमेंट देकर उसको सुलटा लें, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामलों में आने जाने से उसमें कुछ नहीं होता। आप परेशान होते हैं, आपका पैसा ज़ाया होता है, आपकी फैमिली परेशान होती है और आप खुद भी बहुत चक्कर काटते हैं। तो मैं बात करता हूँ पेमेंट लेने के तरीकों से। देखो दोस्तों, होता क्या है कि मान लो आपने किसी को कोई चेक दिया और वो चेक आपके पेमेंट नहीं, तो बाउंस हो गया, तो आपसी सामाजिक तरीके से उससे आप मिलिए, बात कीजिए, टाइम लीजिए उस पेमेंट को मतलब देने के लिए, आप अपने पास टाइम लीजिए और कोशिश कीजिए जल्द से जल्द वो पेमेंट उस आदमी को आप दे दी जाए, ताकि आप कोर्ट कचहरी के मामलों में ना पड़ें। अगर आप मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया, वो बाउंस हो गया, अब आपको लेनी है पेमेंट, तो वही तरीका आप भी अपना ही, पहले कार से बात कीजिए, लेने की कोशिश कीजिए, और फिर जब वो नहीं मानता है तो एविडेंस प्रूफ, जैसे कि आपने बात की हो कभी चैटिंग पर, व्हाट्सएप पर आपने कॉल किया हो, उसके एविडेंस भी काम आते हैं आपके। फिर उसके बाद उन्होंने जो चेक दिया वो चेक क्यों दिया, क्योंकि अक्सर कोर्ट में जाने के बाद ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ये तो सिक्योरिटी मनी थी, तो आप ज़रूरी प्रूफ रखिए वो चेक क्यों दिया था, किस लिए दिया था, फिर ये आपका सारी प्रक्रिया चालू होगी। पर आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है चेक बाउंसिंग के केस में। दोस्तों, आपको किसी से अगर पेमेंट लेनी है तो कोशिश पहले यही की जाए बार से बार ये मैटर ख़त्म हो जाए, आप उनसे बैठें, बैठकर आप आपस में कोई निष्कर्ष बीच में निकालें, पेमेंट चाहे पार्ट टाइम दी जाए पर वो पेमेंट आपको दे दे। जैसे आप चेक डाल दोगे वो तो केस चलेगा साल, दो साल, तीन, चार साल, पाँच साल, सीधा ये चलता रहेगा, और तीन चार साल में आप भी बहुत परेशान होंगे, पैसा भी आप पे खर्च होगा। तो बेटर है कि उसकी पेमेंट लेना देना जो है बाहर से हो जाए, और अगर वो आप अगर किसी का अगेंस्ट केस डाल देते हैं या आपके ऊपर केस आ जाता है, फिर तो आप तरीके से उस केस को लड़िए, और आपको अगर लगता है कि आपको साथ में पेमेंट देनी है, आप लॉयल हैं, तो पेमेंट देकर उस केस को ख़त्म कीजिए। ये कुछ सलाह थी कानूनी तरीके से, जिसमें कि आप अगर चेक बाउंस हुआ है या आपके ऊपर चेक बाउंसिंग केस आया है तो आप क्या करें। बट कानूनी प्रक्रिया पर जाने के बाद ये सालों साल चीज़ चलती रहती हैं और दोनों पार्टियां परेशान होती हैं। अक्सर जिन लोगों को पैसा देना होता है वो सामने वाले को बेवकूफ बनाकर केस को चार पाँच साल चलाते हैं, उसके बाद वो पैसा मिलता है, बेशक से विद इंटरेस्ट मिल जाए, कंपनसेशन मिल जाए, बट वो चार पाँच साल की परेशानी तो हो ही जाती है। तो मैं हमेशा सभी को एडवाइस यही करता हूँ कि पहले कोशिश करें, आपको पेमेंट देना हो या लेना हो, बैठकर आपस में सुलह करें और उसके अकॉर्डिंग पैसा ले लें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सब दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। मैं एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा, किसी भी तरह की आपको अगर लगता है कि आपको कानूनी सलाह की जरूरत है, आप चाहते हैं किसी भी तरह की कानूनी सलाह, तो आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप करें, कॉल करें आप मुझे, मैं आपकी बिल्कुल निश्चित मदद करूँगा।